अगर आपका खाता SBI में है तो यहाँ पर आप SBI का KYC फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर SBI का KYC फॉर्म है, अब हम इसको फिलअप करेंगे। तो फिलअप करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप डेट उसी दिन एंटर करें जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करने के लिए जाएं। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना ब्रांच नेम लिख देना है, जो ब्रांच नेम आपके पासबुक पर लिखा होगा, और यहाँ पर आपको ब्रांच कोड भी आपके पासबुक पर लिखा होगा। उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर न्यू पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी और यहाँ पर अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर आपके पासबुक पर लिखा होगा, कस्टमर आईडी यानी CIF आईडी करके पासबुक में लिखा होगा, वही यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप CIF आईडी और यहाँ पर अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट टाइप में नॉर्मल पर हम टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब पर्सनल डिटेल्स एंटर करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना होगा। तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में अपना यहाँ पर आपको नेम लिखना है। नेम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देंगे, उसके बाद लास्ट नेम जैसे सिंह जादौन होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देना है, उसके बाद लास्ट नेम लिख देना है। बस अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो आपके आधार कार्ड पर हो, यहाँ पर जिसके ऊपर यहाँ पर स्टार बना हुआ है, यह आपको भरना जरूरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। तो आप जो भी हो, अगर आप पुरुष हो तो यहाँ पर मेल पर, महिला तो यहाँ पर आप फीमेल पर टिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको फादर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और अगर आप मैरिड हैं तो यहां पर आप सपोज वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, अगर आपने यहां पर फादर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखा है तो यहां पर आप अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ेंगे, उसके बाद लास्ट नेम, जिस प्रकार हमने यहाँ पर नेम एंटर किया उसी के बाद आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना होगा उसी तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपका एज 18 से कम है, अगर आप माइनर में है तो ही आप यहाँ पर इसको फिलअप करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो अगर आपका एज 18 से कम है तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम फिर से लिखेंगे, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का लास्ट नेम, उसके बाद फादर से रिलेशन क्या है, डॉटर सन जो भी हो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नेशनलिटी में यहाँ पर इन इंडियन पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंट्री नेम में इंडिया यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट पर टिक करेंगे, हाउसवाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी हो यहाँ पर आप बस टिक करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं बना हुआ है, यहाँ पर आपको मंथली इनकम एंटर करना होगा। तो जो भी आपका मंथली इनकम हो यहाँ पर आप एंटर करेंगे यानी लिख देंगे। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड, तो यहाँ पर यह भरना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप रिलीजन पर टिक करेंगे, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जनरल OBC। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप एजुकेशन वाले ऑप्शन में कोई एक बॉक्स पर टिक करेंगे, 9th तक पढ़े इस पर टिक करेंगे, 10th पास किए इस पर टिक करेंगे। तो जो भी हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे यानी टिक कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर भरना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहती, मोबाइल नंबर चेंज करने वाला फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है वीडियो बना चुके हैं, वीडियो का लिंक आई बटन पर दे देंगे, देख लेना। और यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पर फ्रंट साइड अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, अब यहाँ पर आपको बैक साइड आ जाना है।
बैक साइड में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आधार वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर लिखा हुआ, आप इस पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट नंबर में अपना आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। ओके, आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल पर यहाँ पर रेसिडेंशियल वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले विलेज लिखेंगे। विलेज लिखने के बाद बॉक्स छोड़ेंगे, उसके बाद अपने गांव का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप किसी टाउन शहर में रहते हैं तो यहाँ पर आप टाउन लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट लिखने के बाद आप यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ेंगे, अपने पोस्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला लिख देना है, जो भी आपका ज़िला हो। यहाँ पर आपको अपना स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आपको पिन कोड लिख देना है जो आपके आधार कार्ड के बैक साइड लिखा होगा। और यहाँ पर आपको कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है। यहाँ पर आपको बस टिक कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगा देना है। इसके साथ अपने आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी अटैच करके बैंक जाकर जमा कर देना।